हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक जरूर करें, शेयर भी करें ताकि और लोगों को भी जो है इस वीडियो का फायदा मिल सके। हमने पिछले वीडियो में जो है वो 2017 का पेपर हम देख रहे थे और इस वाले वीडियो में जो है हम कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 8 से 65 क्वेश्चन में देख लिए थे। 200 नंबर का ये पेपर है। पेपर जो एग्जाम आना है 2020 में उसमें 170 नंबर का पेपर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 66 शुरू करते हैं। ग्लूकोमा जो है वो किसका रोग है? तो ये आंखों का रोग है, ग्लूकोमा की बीमारी। अमाशय, यकृत, पित्ताशय। गॉल ब्लैडर को पित्ताशय कहा जाता है, यकृत लीवर को कहा जाता है, स्टमक को अमाशय कहा जाता है। तो ये आंखों का रोग है। पालक किस विटामिन का स्रोत है? तो ये लौह तत्व इसमें पाए जाते हैं, आयरन का स्रोत है। पॉक्सो अधिनियम जो है ये 2012 का है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। पॉक्सो 2012 का एक्ट है। तो ये बच्चों के लैंगिक शोषण से जुड़ा हुआ है, बी ऑप्शन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित होती है? मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, 1 अप्रैल 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार ने इसको लागू किया था। तब ये श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जो चलाई जा रही थी, लेकिन 2015-16 में जो है ये है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है, स्वास्थ्य मंत्रालय जिसको हम कहते हैं, तो उसके पास चली गई। तो अब ये जो है ये आंसर की में जो है ये किस तरह का जो है वो था, तो ये स्वास्थ्य, अगर 2017 के अनुसार बात करें तो ये स्वास्थ्य और परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आएगी, ये आएगा इसका आंसर ना। फिर फल और सब्जियां में क्या होता है प्रचुर मात्रा में? तो ये विटामिन और खनिज होते हैं प्रचुर मात्रा में। महिला और बाल विकास निदेशालय जो है वो हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो ये 2011 में अस्तित्व में आया, 2010 का एक्ट 2011 में। और भारत में महिला और बाल विकास विभाग जो था वो 1985 में जो है वो बन गया था। स्वयं सिद्धा योजना तो ये किससे संबंधित है? ये महिलाओं के सशक्तिकरण से है। शिशुओं में हेपेटाइटिस का चौथा टीका कब लगाया जाता है? तो ये चौथे सप्ताह, 14 सप्ताह में लगाया जाता है। पहला जो है वो जन्म के समय लगाया जाता है, दूसरा जो है जिसको जीरो डोज कहा जाता है, दूसरा चौथे हफ्ते में, तीसरा 8वें से 9वें हफ्ते के बीच में है। यहाँ पे 12वां हफ्ता लिखा है, लेकिन 12 से 14 हफ्ते में जो है वो लगाया जाता है। इसके अलावा लास्ट जो लगता है छठा, वो 1 साल में लगता है बच्चों को हेपेटाइटिस का। यौन शोषण से तात्पर्य क्या है? ये सभी जो है वो यौन शोषण के अंतर्गत आते हैं। जबरन यौन संपर्क करना, यौन टिप्पणी, साथ ही साथ अभिदित शारीरिक संबंध संपर्क जो भी है, ये ऑल ऑफ दिस आएगा इसमें। ICDS के लाभार्थी कौन नहीं है? तो 0 से 6 साल के बच्चे हैं, गर्भवती और धात्री भी है, किशोरियां भी हैं, जो वरिष्ठ महिलाएं हैं, सीनियर जो महिलाएं हैं 45 साल से ऊपर, वो नहीं है। किशोरी न्याय अधिनियम जिसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कहा जाता है, 2015 का एक्ट है ये, उसमें किशोर किसे कहा गया? तो 11 से 18 साल के बच्चों को कहा गया। विकास के चरण में 3 माह का बच्चा क्या नहीं करता? तो मुस्कुराता है, रंगों की तरफ सिर घुमाता है, हाथ पांव चलाता है, पर बैठता नहीं है, तो सी ऑप्शन आएगा इसका। मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो दस्त, दमा, ये सब नहीं, मलेरिया होता है एनोफिलिस मादा मच्छर के काटने से। पेट के कीड़े के लिए केंद्र में दी जाने वाली किट में कौन सी दवाई दी जाती है? तो ये मोबेंडा जोल दी जाती है, आंगनवाड़ी केंद्रों में जो दी जाती है। पानी पर आधारित कौन सी बीमारी है? सूजन, सिफिलिस, ये तो यौन रोग है। हैजा जो है, कॉलरा बोलते हैं जिसको, ये पानी पर आधारित रोग है, दूषित जल। निमोनिया शरीर में हो जाता है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? लंग्स, हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं। प्रभावी संप्रेषण में क्या बाधा नहीं है? तो जो है वो परामर्श जो है वो बाधा नहीं है, बाकी ये सब जो है ये गलत बताया है। खराब नियोजन, अपर्याप्त जानकारी, खराब संप्रेषण कुशलताएं, ये सारी बाधाएं हैं। ये परामर्श जो है ये प्रभावी संप्रेषण की बाधा नहीं है। समूह क्या है? तो एक विचार एक मंच पर एकत्रित लोग जो है वो जो है वो समूह कहलाते हैं। रेलवे स्टेशन पे खड़े लोग भीड़ हो सकते हैं, कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं। ग्राम स्तर पे जो है बाल संरक्षण समिति, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी बनाई गई है, तो उसका जो मेंबर सेक्रेटरी है, सदस्य सचिव है, वो कौन है? तो वो सुपरवाइजर को बनाया गया। हर पंचायत में सुपरवाइजर जो है वो जो विलेज लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन जो कमेटी है उसका जो है मेंबर सेक्रेटरी है, सदस्य सचिव। बालिका सुरक्षा योजना में कितनी राशि दी जाती है? तो 2300 राशि दी जाती है, 2000 प्लस 300, 2300। गाजर और नींबू में क्या पाया जाता है? तो गाजर में विटामिन ए है, नींबू में विटामिन सी है, ए ऑप्शन आएगा इसका, ए और सी। फिर हम पेज नंबर 10 पे चलते हैं। रतौंधी, रिकेट्स, स्कर्वी का क्रमशः
कौन सा जो है विटामिन सही है? तो रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, और स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। तो ये ए वाला आंसर जो है वो सही है। एक वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को क्या कहा जाता है? तो ये IMR कहा जाता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। बॉडी मास इंडेक्स है, ठीक है। फिर है कार्यकर्ता के कुशल नेतृत्व में क्या असामान्य है? तो निर्णय लेना, समन्वय, कारगर संप्रेषण, स्वयं निर्णय लेना जो है ये नहीं आएगा इसका पाठ। फिर इनमें से कौन सा भाषा प्रवीणता में नहीं आता? सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, घूमना, तो घूमना नहीं आता। एक बच्चे की बाल्यावस्था कब तक मानी जाती है? तो 2 साल से और 12 वर्ष तक जो है वो बच्चा जो है बाल्यावस्था में होता है, 13 साल से फिर वो किशोरावस्था में चला जाता है। तो ये बाल्यावस्था का टाइम है। 2 साल से छोटा बच्चा जो शिशु कहा जाता है, कई जगह एक शिशु जिसको इन्फेंट कहा जाता है, कई जगह 1 साल का माना जाता है, कई जगह 2 साल का माना जाता है। कार्यकर्ता साक्षात्कार के नियमावली के सभी रिकॉर्ड का रख रखाव जो है वो किसे अधिकृत किया गया है? तो CDPO जो है वही इंटरव्यू, वैसे तो SDM चेयरमैन होता है, लेकिन CDPO जो है वो जितने भी रिकॉर्ड्स है उसका कस्टोडियन जो है वो CDPO है। उदिशा परियोजना जो है ये किसे संबंधित है? तो ये प्रशिक्षण से संबंधित है, उड़ीसा परियोजना, और ये विश्व बैंक की सहायता से चलाई गई थी। उड़ीसा में, उड़ीसा से इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर अब बच्चे के स्वास्थ्य कोष में क्या जरूरी है? शारीरिक स्वास्थ्य, भावनात्मक, सामाजिक, या ऑल ऑफ दिस? तो ऑल ऑफ दिस आएगा। फिर है राष्ट्रीय बाल नीति में 3 R क्या है? तो ये है लिखना, पढ़ना और गणित, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक। इसको 3 R बोलते हैं, रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक, ए ऑप्शन है। बालिका समृद्धि योजना कब लागू हुई थी? तो ये 15 अगस्त 1997 को लागू हुई, जुलाई 2010 में ये फिर बेटी है मूल योजना में जो है वो बदल गई। फिर है 11वां जो है क्वेश्चन, सॉरी 11वां पेज है, क्वेश्चन नंबर 97। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब हुई? तो 30 मार्च 1993 को हुई। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण राज्य स्तरीय अधिकारी कौन है? तो ये मुख्य रजिस्ट्रार, निदेशक स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, ये होता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे CMO होता है। फिर बाल अपराधी है ये, सुधार गृह हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये ऊना जिले में है, बाल अपराधी सुधार गृह ऊना जिले में। हिमाचल विशेष दत्तक ग्रहण संस्था कौन सी है? तो ये है हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद, 1975 में ये जो है ये बनी थी। बाल बालिका आश्रम जो है इसी के अंतर्गत चलाए जाते हैं। समेकित बाल संरक्षण स्कीम, ICPS बोलते हैं जिसको, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, ये किस एक्ट को जो है वो मजबूत करती है? तो ये किशोरी न्याय अधिनियम जो है, JJ एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का, उसको मजबूत करती है। बच्चों का जिला स्तरीय संरक्षण अधिकारी कौन होता है? तो ये जिला स्तरीय संरक्षण अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, DCPO, तो यूनिट होती है, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे बड़ा ऑफिसर होता है वो है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, DPO जो है वो तो आंगनवाड़ी से रिलेटेड है। फिर है THR से क्या अभिप्राय है? टेक होम राशन कहा जाता है, तो घर के लिए जो कच्चा राशन जो दिया जाता है उसको कहा जाता है, 6 महीने से 3 साल के बच्चों को। बाल बालिका आश्रम में अनाथ बच्चों के प्रवेश हेतु क्या आयु निर्धारित है? तो ये 6 साल से अधिक के बच्चे जो है वो बाल बालिका आश्रम में उनको जो है एडमिशन दी जाती है। हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद के अंतर्गत ही है जो ये रजिस्टर्ड है और चलाए जा रहे हैं। अधिनियम के अंतर्गत, किस अधिनियम के अंतर्गत देखभाल और सुरक्षा वाले बच्चों के लिए कौन सी समिति गठित की गई है? तो ये CWC जो है वो बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए गठित की गई है, CWC बोलते हैं इसको, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, हर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये बनी हुई है CWC। फिर शिशु की प्रारंभिक देखभाल हेतु क्या देना आवश्यक है? तो माँ का जो दूध है वो इम्पोर्टेंट है, गाढ़ा दूध, मिश्रित बोतल का दूध। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय 1828। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति, व्यपगत की नीति, तो ये लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो है वो लाई गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 वो होयुमनी की थी, और पहला अधिवेशन जो है वो WC बनर्जी उसके अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस सदी? ये जो GK के क्वेश्चन है ये आपको भारत दर्पण में जो बुक है उसमें ये हर क्वेश्चन जो है ये एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इंडिया GK का, जो वहां नहीं मिलेगा। HP GK के तो आपको हिमाचल दर्पण में मिल ही जाएंगे,
आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये इंडिया जीके का एक सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो भारत दर्पण में जो है आसानी से मिल जाएंगे। पूर्ण स्वराज की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई? तो ये लाहौर में हुआ था, रावी नदी के किनारे, 1929 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, बाल पाल और लाल, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किसने की थी? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी, कांग्रेस से त्याग पत्र जब दिया था तो 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है स्थापना की थी। कथकली डांस जो है वो किस राज्य का है? तो केरल का है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, मणिपुरी मणिपुर का। पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं? तो सितार। इसके अलावा भारत का सुप्रसिद्ध सूर्य मंदिर सन टेम्पल कहां पर है? तो ये कोणार्क में है, उड़ीसा में। करो या मरो का नारा, डू और डाई का नारा किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में, करो या मरो का नारा। फिर है सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? तो ये बृहस्पति है, जुपिटर। पृथ्वी की औसत आयु कितनी है? लगभग 4.6 अरब वर्ष, 4.6 बिलियन ईयर्स। और सूरज की भी लगभग इतनी ही है। माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला से संबंधित है? तो माउंट एवरेस्ट चोटी जो है वो हिमालय में है, नेपाल में। रॉकी जो है उत्तर अमेरिका की है, एंडीज दक्षिण अमेरिका की। इसके अलावा काराकोरम जो है वो K2 जो भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसे कहा जाता है, POK में है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है काराकोरम में। वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन है लगभग 78%, ऑक्सीजन 20.9%, बाकी तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड आती है 0.1% के आसपास। विश्व का सबसे बड़ा महासागर? पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, गहरा अटलांटिक है। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या में दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां। भारत की प्रसिद्ध डल झील ये कहां पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। कपास फसल आमतौर पे किस मिट्टी में होती है पैदा? तो ये काली मिट्टी में पैदा होती है, कपास की खेती की जाती है काली मिट्टी में। थीन बांध किस राज्य में? तो ये पंजाब में है। फिर है नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये मछली के उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से है। नेशनल हाईवे 7 पहले ये सबसे लंबा नेशनल हाईवे होता था, वर्तमान में तो नहीं है। ये वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता था, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। सबसे बड़ा व्यस्त बंदरगाह मुंबई है। दक्षिण का कश्मीर केरल को कहा जाता है। संविधान की कुंजी, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये किसे कहा जाता है? तो ये जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसको संविधान की कुंजी कहा जाता है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? जब संविधान बनाया गया तब उस समय 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस आर्टिकल को, अनुच्छेद को संविधान की हार्ट एंड सोल, हृदय और आत्मा कहा था? तो ये आर्टिकल 32 है, जिसमें सारे रिट्स हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, जब आप रिट्स के द्वारा जो है जाते हैं केस लेकर। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? ये हमने आयरलैंड से जो है, सॉरी, सोवियत संघ से जो है, ये फंडामेंटल आपकी ड्यूटीज हैं, ये 11 हैं, पहले 10 थी फिर 11 हुई हैं। इसमें जो आपका 2002 में जोड़ा गया था 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 1976 में शामिल किया गया था इसको हमारे संविधान में, सोवियत संघ से लिया गया था, भूतपूर्व सोवियत संघ से। फिर भारत में वित्तीय संकट, तीन जो है राष्ट्रपति तीन तरह के आपातकाल करता है। 352 में जब युद्ध की स्थिति होती है, पूरे देश में लगा सकते हैं किसी भाग पे, राज्यों में जो लगता है वो 356 के अंतर्गत लगता है, और वित्तीय आपातकाल जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी वो 360 में लगती है। तो कितनी बार लगाई गई है फाइनेंशियल इमरजेंसी? तो ये है अभी तक एक बार भी नहीं लगाई गई है, और जो 352 की है वो तीन बार लगी है, 1962, फिर 65 और फिर 75 में, वो कंटिन्यू रही है। तीन बार अब तक इमरजेंसी 52 आर्टिकल 352 के तहत लगी है, और 356 राज्यों में तो पता नहीं कितनी बार लग चुकी है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? जैसे योजना आयोग थे वैसे अब नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, पदेन अध्यक्ष। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 2 सदस्यों को लोकसभा में और 12 को राज्यसभा में। तो जो 2 सदस्य होते हैं लोकसभा में, ये एंग्लो इंडियन होते हैं, समुदाय के होते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? तो ये आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में जो है वो लागू किया गया। राइट टू एजुकेशन तो 2010 का है, 2009 का एक्ट है, और 10 में जो है लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। मिड डे मील योजना
1993 में शुरू की गई, 1993 का वो है, उसके बाद 1995 में जो है ये शुरू की गई है। ये अभी हम जब ECC का वो देखेंगे तो उसमें भी इसके बारे में दिया हुआ है। तो ये हमारे जो हैं ये 138 क्वेश्चन हो गए। जो नेक्स्ट वीडियो है, लास्ट वीडियो, उसमें हम जो बाकी जो बचा हुआ है, हमारा जो पोर्शन है इस पेपर का, वो सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।